हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिचा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम क्लासेस। आज जो वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं दैट इज ऑन यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, आप कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, इंडिया लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, जैसे SSC ले लीजिए, रेलवेज हो, UPSC हो, बैंकिंग हो, या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको कवर करना बिल्कुल बनता है। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस और उसकी जो कोर बॉडी है, यानी कि जो बेसिक बॉडी है, मेन ऑर्गन्स हैं, 6 पार्ट्स जो हैं इसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और वीडियो के एंड में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो आई रियली होप आप वीडियो के एंड तक रहें ताकि आपको पूरा बेनिफिट इसका मिल सके। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। चलिए, सो पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र है क्या? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि 1945 में बना था। हम आज़ाद हुए उससे जस्ट 2 साल पहले, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद में ये गठित किया गया था। ठीक है, विद द पर्पस वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, विद द पर्पस टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। किस लिए बनाया गया था? अभी बेसिक देख लीजिए, हिस्ट्री भी अभी देखेंगे। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट लाने के लिए। जितनी उस समय की स्थिति क्या थी, वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ ही है, ठीक है, तो आप उस परव्यू में, उस बैकग्राउंड में थोड़ा देखिएगा। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री क्या थी यूनाइटेड नेशंस के बनने के पीछे की। अभी सिर्फ बेसिक पढ़ते चलते हैं। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके जो भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं उनका और पूरे वर्ल्ड का एट लार्ज। और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, यानी कि मानव अधिकारों की रक्षा करना। जिन भी मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी कि वो ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको मेंटेन करना, सिक्योर करना, प्रमोट करना, ये इस पर्पस से इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था। ओरिजिनली जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो 51 मेंबर्स थे, यानी 51 देश इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, और आज की अगर हम बात करें एज ऑन 2020 तो इसमें 193 टोटल मेंबर्स हैं। जितने भी नेशंस हैं उनमें से 193 आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। लास्ट एडिशन कौन सा हुआ था? अच्छा, इसमें ना कंट्री को स्टेट की तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया कंट्री, तो यहाँ पे इंडिया को स्टेट भी बोला जाएगा। तो कंट्री आए चाहे स्टेट आए, कन्फ्यूज नहीं होना है। सो लास्ट एडिशन जो यूनाइटेड नेशंस में हुआ जिस कंट्री का, वो था साउथ सूडान। ठीक है, साउथ सूडान जो कि जुलाई 2011 में इसमें ऐड हुआ और ये तभी बना भी था। ठीक है, तो साउथ सूडान का फॉर्मेशन भी 2011 का है और जुलाई 2011 में ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन गया। साउथ सूडान कहाँ पर है? अफ्रीका का एक कंट्री है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूनाइटेड नेशंस के? न्यूयॉर्क के अंदर, USA में न्यूयॉर्क। ठीक है, तो एक बार बेसिक बात समझ में आ गई, डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब आते हैं हिस्ट्री पे, यूनाइटेड नेशंस क्यों बना, किन बैकग्राउंड में या किन कंडीशंस में बना, इसीलिए इसके ऑब्जेक्टिव किस तरह के हैं, वो सारा हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ, जितने भी नेशंस थे वो सब बहुत ही बुरी हालत में थे, रूइंस में थे, यानी बर्बादी के कगार पर थे, बर्बाद हो चुके थे, और वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को शांति चाहिए थी, पीस चाहिए थी। तो 50 कंट्रीज आई। अब मैंने पिछले आपको स्लाइड में बताया 51 कंट्रीज थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस बनाया है, वो अभी आ जाएगा। 50 कंट्री सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठे होती हैं। आनी थी 51, लेकिन पोलैंड के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ पाए, उनकी कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही थी। ठीक है, तो इसमें हमने बाद में मेंशन किया है ये चीज़ भी। ठीक है, 50 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव एक जगह इकट्ठा होते हैं। कहाँ इकट्ठा होते हैं? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठा होते हैं 1945 में, साइन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट, एक तरह से ट्रीटी बन रही थी, आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी, एक डॉक्यूमेंट बन रहा था। उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम था? UN चार्टर, यूनाइटेड नेशंस चार्टर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र, हिंदी में इसको कहा जाता है, राइट? और इस चार्टर के बनने के बाद ये चार्टर एक तरह से अप्रूव हुआ, कुछ मेन मेंबर्स थे UN के, उनके थ्रू, और फिर यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। क्यों बना? वर्ल्ड पीस लाने के लिए। कैसे बना? तो सबसे पहले एक चार्टर बनाया गया,
उसको सैंक्शन दिया गया, यानी कि उसको ओके किया गया और फिर यूएन एग्जिस्टेंस में आ गया। चार्टर कब साइन हुआ था, दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं अब यहाँ पे, एक कि यूएन चार्टर कब साइन हुआ और दूसरा वो एनफोर्स कब हुआ, यानी यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में कब आया। तो देखिए, यूएन चार्टर साइन हुआ 26 जून 1945 को, ठीक है, ये जून की बात है, अभी मई चल रहा है ना, राइट, एक महीने बाद जैसा सिचुएशन समझ लीजिए, 26 जून 1945, और जिसमें 50 कंट्रीज सैन फ्रांसिस्को में जब इकट्ठे हुए थे उन्होंने वो चार्टर साइन किया। पोलैंड उस समय नहीं आ पाया था तो उनके सिग्नेचर के लिए जगह खाली छोड़ दी गई थी। पोलैंड साइंड इट लेटर एंड बिकेम वन ऑफ द ओरिजिनल 51 मेंबर स्टेट्स, ठीक है, इसलिए 51 देशों ने मिलकर के यूनाइटेड नेशंस बनाया ऐसा कहा जाता है, 50+1 पोलैंड, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा वन एक ऐसा कंट्री या स्टेट था, स्टेट अगर उस टर्म्स में बात करें, जिसने बाद में साइन किए 50 देशों के, तो पोलैंड आपको ध्यान रखना है बेसिकली, ठीक है। अब चार्टर फोर्स में कब आया या यूएन ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में कब आया, 24 अक्टूबर 1945, ध्यान रखिएगा, 26 जून को साइन हुआ, 24 अक्टूबर को एनफोर्स हुआ, और यूएन डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, ईयर वही चल रहा है 1945, ओके। अब ये जो यूएन था ना, इससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि वर्ल्ड पीस के लिए काम करती थी और उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बना था उस दौरान ही, राइट, लेकिन ये फेल हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोकने से, तो ये एक तरह से हट गया, डिमोलिश हो गया और फिर यूनाइटेड नेशंस पिक्चर में आया, ठीक है। तो हु वॉज द या विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज द फोर रनर, फोर यानी पहले, रनर यानी एक तरह से जो दौड़ में था, तो यूनाइटेड नेशन के पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पीस, वर्ल्ड पीस और उससे रिलेटेड कामों में लगी हुई थी, लीग ऑफ नेशंस, याद रहेगा लीग ऑफ नेशंस उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा देख लेते हैं लीग ऑफ नेशंस के बारे में, क्योंकि अगेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लीग ऑफ नेशन क्या है या राष्ट्र संघ, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, राष्ट्र संघ, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि कंसीव की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, इस्टेब्लिश हुई 1919 में, वर्ल्ड वॉर वन वाला टाइम 1919 में, और कौन सी ट्रीटी के अंडर में बनी थी, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। जैसे यहाँ यूएन चार्टर बना था वो एक डॉक्यूमेंट था, यहाँ कौन सी ट्रीटी के अंडर में ये लीग ऑफ नेशंस बना, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है, वर्सेल्स वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के दौरान बना है, तो वॉर से वर्सेल्स आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनेशनल सब सारे नेशंस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, पीस और सिक्योरिटी रहे, इस पर्पस के लिए बनाया गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO भी वॉज क्रिएटेड अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एज एन अफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द लीग। इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में समझाऊंगी, चिंता मत करिएगा। तो इसी लीग की, लीग ऑफ नेशंस की ही एक अफिलिएट एजेंसी थी, यानी इसी से जुड़ी हुई एक संस्था थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो आज भी काम करती है, राइट, ये भी 1919 में बनी थी, सो ये भी आपको ये ध्यान रखना है। देन लीग ऑफ नेशंस सीज्ड इट्स एक्टिविटीज आफ्टर फेलिंग टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इसने डिसाइड कर लिया कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या उसके एंड में बना था कि भाई अब शांति रहे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध नहीं रोक पाए, इनके काम इतने कारगर नहीं रहे इनके हिसाब से, तो इन्होंने डिमोलिश कर लिया और अपनी एक्टिविटीज सीज कर दी, यानी स्टॉप कर दी, ठीक है। तो ये था लीग ऑफ नेशंस, कौन सी ट्रीटी के अंडर में बना था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंडर में, कौन सी ईयर में बना था, 1919 में बना था। ILO क्या है, ILO इसी की एक अफिलिएट एजेंसी है जो कि 1919 में बनी थी, ठीक है। चलिए अब यूनाइटेड नेशंस पे वापस आ जाते हैं, और कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं यूएन के बारे में जो कि एग्जाम रिलेटेड हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हमने बीच में ही डाल दिया है, क्वेश्चंस बाद में डील करेंगे लास्ट में, ये कुछ एक पॉइंट्स बीच में आ गए तो उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूएन के इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशंस नाम या ये टर्म किसने कॉइन की थी, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, तो किसने कॉइन की थी, यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कॉइन की थी, ये क्वेश्चंस में भी आएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सो उस समय के यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने ये टर्म दिया था यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। चलिए फर्स्ट
अब ये जो टर्म है यूनाइटेड नेशन पहली बार इस्तेमाल किया कब गया, या डिक्लेरेशन में या अनाउंसमेंट में या लिखित में कहीं तो आया होगा, तो फर्स्ट टाइम यूज कब किया गया? फर्स्ट यूज इन द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑन 1 जनवरी 1942। यूनाइटेड नेशंस बना तो 1945 में है, लेकिन उसका जब डिक्लेरेशन बन रहा था, यूनाइटेड नेशन के बारे में डिक्लेरेशन तैयार हो रहा था, तब ये टर्म सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी 1 जनवरी 1942 को, यानी ऑलमोस्ट 3 साल पहले, ऑलमोस्ट है 2.5 साल समथिंग, ठीक है। चलिए, सो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ओके, ऐसा अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के दौरान ये टर्म यूज ली गई थी। ओरिजिनल यूएन लोगो, अब यूनाइटेड नेशंस का एक लोगो है जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में लगाया था, आपने देखा हो, फ्लैग के ऊपर था, जिसमें एक ग्लोब व्यू है, नॉर्थ पोल से लिया गया, सारे कंट्रीज दिखते हैं और जो लैटिट्यूड्स हैं वो दिखते हैं, 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो दिखता है, और दो ऑलिव की ब्रांचेस हैं साइड में, ठीक है, वो यूएन का लोगो है। आहा, हम इतना बोल रहे हैं, वो रहा ऊपर लगा हुआ, ठीक है। सो ये रहा यूएन लोगो, एंड ये किसने डिज़ाइन किया था, यूनाइटेड नेशंस का लोगो किसने डिज़ाइन किया था, तो एक टीम ऑफ डिज़ाइनर्स थी जिन्होंने 1945 में ही ये डिज़ाइन किया, जब यूएन बनेगा तभी डिज़ाइन होगा, और इस टीम के लीडर कौन थे, ओलिवर लिंकन लनक्विस्ट, ओके, ओलिवर लिंकन लनक्विस्ट मेन डिज़ाइनर थे। तो देखो, ओलिव की ब्रांचेस हैं साइड में, ये जो दिख रही है ना आपको, ओलिव एक प्लांट होता है, उसकी ब्रांचेस दिखाई गई हैं, तो ओलिव से ही ओलिवर ध्यान रख लीजिएगा, ओलिवर लिंकन लनक्विस्ट, ओके, ही वॉज द मेन डिज़ाइनर। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं यूएन की, क्वेश्चन बन चुका है पहले भी, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है ये भी क्वेश्चन बन चुका है, और कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, या 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये पूछ लिया जाता है। सो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन की, जिनमें उनके सारे काम होते हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा वो 6 लैंग्वेजेस में बनेगा, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं देना चाहूँगी अभी, बिकॉज ये बहुत बेसिक बात है, इतनी इतनी सी चीज़ों के लिए शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ कन्फ्यूजन की बातें नहीं है। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, इंग्लिश तो होगी ही, ठीक है, न्यूयॉर्क में ऑफिसेज हैं, यूएस का पार्ट है, चाइनीज क्योंकि जो कोर मेंबर्स थे ना, अभी हम देखेंगे उसमें चाइना भी एक पार्ट था, अरेबिक क्योंकि अरेबिक बहुत जगह बोली जाती है, आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, फ्रेंच रशियन स्पैनिश, ओके। सो ये 6 लैंग्वेज याद हो गई, बिना देखे ट्राई कीजिए बोलने का, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पैनिश, शाबाश, ठीक है। ऑल राइट, अब आ जाते हैं हम, आई रियली डाउट आपको ये दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम पढ़ देंगे अदरवाइज, ये जो लिखा है शायद ये ढंग से ना दिख रहा हो, डार्क बैकग्राउंड है, डार्क फॉन्ट्स हैं कलर। चलिए, यूनाइटेड नेशन की का पूरा जो सिस्टम है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो संरचना है वो क्या है, यानी पूरा सिस्टम क्या है, पूरा एक चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आप समझ सकते हो, मेन ये है, जिसमें 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स मेन बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। पहला है जनरल असेंबली, क्या है, जनरल असेंबली, आम सभा, ओके। दूसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके हिंदी नाम आ जाएंगे, अभी सिर्फ इतना देख लीजिए। दूसरा, वैसे हालांकि यहाँ लिखा हुआ है, हम सेकेंड नंबर पे यही पढ़ेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल। सो सबसे पहला हो गया जनरल असेंबली, सेकेंड हो गया सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट हो गया ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब इसका काम बहुत लिमिटेड हो गया, एक तरह से ना के बराबर रह गया है, देखेंगे क्यों और कैसे। एंड द लास्ट वन इज सेक्रेटेरिएट, ठीक है, ये एक तरह से ऑफिस है जहाँ सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क निपटाए जाते हैं, अभी सब एक एक करके डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो टोटल कितनी बॉडीज हो गई, 4, 5 और 6, ये 6 मेन बॉडीज या प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। ये सब कब बने, अलग अलग टाइम पे बने, नो,
ये सब इस्टेब्लिश हुए 1945 में ही, जब यूएन फॉर्म किया गया। ठीक है, सो अभी इनके नाम भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप डिटेल करोगे, इतनी बार पढ़ोगे तो दिमाग में वैसे ही सेट हो जाएगा। टेक्निक वहीं इस्तेमाल करेंगे जहाँ लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द जनरल असेंबली, यानी कि आम सभा, अगर शायद हिंदी में यही बोला जाता है, मैंने जिस सोर्स से लिया, आई रियली बिलीव। अच्छा, जो भी कंटेंट आपको यहाँ दिख रहा है इंग्लिश में, जो एटलीस्ट लिखा हुआ है, वो सारा यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, कुछ गलती तो नहीं होगी, राइट? सो स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़िएगा। ये एक पिक्चर है यूएन जनरल असेंबली की। जनरल असेंबली के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। मेन डेलिबरेटिव, डेलिबरेटिव वो हुआ जो कि किसी चीज़ पे ध्यान लगा रहा है, सोच विचार कर रहा है, डिबेटिंग कर रहा है। पॉलिसी मेकिंग, जो नई नई पॉलिसीज बनाएगा। एंड रिप्रेजेंटेटिव, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस को रिप्रेजेंट जनरल असेंबली ही करती है। ठीक है, जो भी मेन काम होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो जनरल असेंबली में किए जाते हैं। और इसलिए भी इसको रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, बिकॉज जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं ना यूएन के, वो इसके पार्ट हैं। हर एक जो मेन बॉडी हमने देखी, हर एक मेन ऑर्गन जो देखा, उसमें अलग अलग मेंबर्स होंगे। ज़रूरी नहीं है सारी कंट्रीज उसके मेंबर हों, लेकिन जनरल असेंबली एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सारे ही कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, वो जनरल असेंबली के भी मेंबर हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव भी है। ठीक है, तीनों वर्ड समझ में आ गए। सो ऑल 193 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली। ठीक है, बाकी में अलग अलग है, किसी में 54 होंगे, किसी में 15 होंगे, राइट, किसी में 9 होंगे, लेकिन यहाँ पे पूरे 193 मेंबर्स हैं। सो इट इज़ दी ओनली यूएन बॉडी विथ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। इंपॉर्टेंट है कि यूएन मेन ऑर्गन्स में से कौन सा एक ऑर्गन है जो यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन करता है। आंसर विल बी जनरल असेंबली। अब देखो, आम सभा है, जनरल है, जनरल है तो सबको डाल दो। ठीक है, चलिए, लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। अच्छा, ये जो छः मेन ऑर्गन्स हैं, उनमें से 5 न्यूयॉर्क में ही बने हुए हैं, उनके ऑफिसेस। ठीक है, सो आपको हर एक के लिए न्यूयॉर्क 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 याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो कहीं और स्टेशन है, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए कितनी बार मीटिंग होती है, कब कब मीटिंग होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है। सो जो जनरल असेंबली है वो हर साल मिलती है, यानी सारे मेंबर्स हर साल इकट्ठा होते हैं एक बार। कब? सितंबर में, फिक्स्ड है। ठीक है, मीटिंग वंस अ ईयर इन सितंबर। इलेक्ट्स अ जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ईच ईयर, और हर साल सितंबर टू सितंबर जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट, ऑल राइट। देन मेंबरशिप ऑफ स्टेट्स इन द यूएन, यानी कंट्रीज इन द यूएन, कैसे, अगर किसी को यूएन का मेंबर बनना है तो कैसे बन सकता है, कौन सा, कोई किसी भी कंट्री को अगर बनना है तो ये जॉइंट डिसीजन होता है जनरल असेंबली का, और उसको, और किसका, सिक्योरिटी काउंसिल का। सिक्योरिटी काउंसिल अभी हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट। जनरल असेंबली प्रपोजल देती है और उसको अप्रूव करता है सिक्योरिटी काउंसिल, और फिर एक कंट्री को मेंबर बनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है जनरल असेंबली इन चूजिंग अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। डिसीजन मेकिंग इन जनरल असेंबली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर जनरल असेंबली में कोई भी डिसीजन लेना है, 193 कंट्रीज हैं, तो किस बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है? मेजॉरिटी बेसिस पे जाते हैं, तो किस तरह की मेजॉरिटी काम करती है? तो देखो, डिसीजन मेजॉरिटी से ही बनेंगे, ये तो बात फिक्स्ड है। कुछ केसेस में 2/3 मेजॉरिटी काम करती है, यानी 2/3, और कुछ केसेस में सिंपल मेजॉरिटी काम करती है कि सब में से कितने लोगों ने, मतलब ज़्यादा वोट किया, उस बेसिस पे हम देख लेंगे। 2/3 मेजॉरिटी कब देखी जाती है? जब डिसीजंस इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे लिए जा रहे हों, जैसे कि पीस एंड सिक्योरिटी, किसी मेंबर को शामिल करना यूनाइटेड नेशंस में, या बजट रिलेटेड मैटर्स हों, इस तरह के जो बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाले मुद्दे होते हैं, उन पर 2/3 मेजॉरिटी काम करेगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में आ जाते हैं फ्रेम हो करके। और सिंपल मेजॉरिटी बाकी नॉर्मल डिसीजंस में चलती है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग जनरल असेंबली की मेजॉरिटी से होती है, 2/3 या सिंपल मेजॉरिटी। अब सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे क्लास में होता है ना सिटिंग अरेंजमेंट, मैम फर्स्ट रो में बैठना है, तो क्या करती है टीचर, रोटेशन कर दो। जो फर्स्ट रो में बैठ रहा है उसको इंपॉर्टेंस मिलती है, टीचर की अटेंशन भी मिलती है। और जैसे अवार्ड फंक्शंस आपने देखे होंगे, अलग अलग आते रहते हैं बॉलीवुड में भी, तो फ्रंट रो में जो बैठेंगे वो एकदम
प्राइम गेस्ट होते हैं ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट क्या करें, जनरल असेंबली का सीटिंग अरेंजमेंट भी रोटेट होता रहता है, ठीक है। और जो जनरल असेंबली हॉल है वो हर सेशन में यानी साल में एक बार सितंबर में हर बार अपना सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करती रहती है, पीछे वाले फिर आगे 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 ऐसे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहते हैं। अगर हम बात करें लेटेस्ट सेशन की यानी जो हाल ही में हुआ था, अब हाल ही में तो क्या होने वाला है, जो पिछले साल हुआ था बेसिकली, राइट। तो सेशन 2019-2020 वाला यानी 2019 से लेके 2020 तक जो चलेगा, अब सितंबर में 75th सेशन आ जाएगा। तो पिछला जो सेशन हुआ था 74वां, ठीक है, इस बार मैं सही बोल रही हूँ, 74th सेशन या 74वां सेशन, उसमें घाना ने फ्रंट सीट हॉल में ऑक्यूपाई की थी। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, राइट, और एग्जाम के लेवल पे भी ऑफकोर्स। सो घाना, सो 74th सेशन था, 74वां सेशन जो 1920 वाला था उसमें सबसे फ्रंट सीट ऑफकोर्स, बाकी जो मेन ऑफिशियल्स होंगे वो तो बैठेंगे ही, लेकिन जो कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो फ्रंट रो में कौन से कंट्री ने रिप्रेजेंट किया, घाना ने किया था, ठीक है। इसी के साथ में नीचे देखो ये रेड बेल्ट में एक और पॉइंट लिखा हुआ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि जो सबसे पहली मीटिंग थी जनरल असेंबली की वो कहाँ हुई थी। अब तो न्यूयॉर्क में होती है जनरल असेंबली हॉल में, लेकिन फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग कहाँ हेल्ड हुई थी, तो वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में, ठीक है, लंदन में हुई थी। और वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल, ठीक है, लंदन वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है, इसे वेस्टमिंस्टर याद रखिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था यूनाइटेड नेशंस के बारे में एक इंट्रोडक्शन, लीग ऑफ नेशंस के बारे में पढ़ा हमने, यूएन की ब्रीफ हिस्ट्री भी पढ़ी, और यूएन जनरल असेंबली के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है सब कुछ। रिमेनिंग जो ऑर्गन्स है वो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे और तभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। सो इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द एंटायर सिस्टम ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सो सेकेंड पार्ट में भी हमसे जुड़े रहिएगा, जल्दी ही लेकर के आएंगे, राइट। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, बाय।